www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, alayhi wa salatu ala ahliha. Mahtaram bujurgur khayyya. Allah haqul izzat ka bahut bada ehsaan hai ki usne hum sabko is mubarak mahine ko paane aur uski बरकात के हुसूल का मौका नसीब फरमाया। कल की मजलिस में ये बात अर्ज की जा रही थी कि रमज़ान जामे इबादत इस्लाम के जो अरकान हैं वो सब के सब रमज़ान में मौजूद हैं, बल्कि आला दर्जे पर मौजूद हैं। रमज़ान को ये हक हासिल है कि वो ये कहे कि मुझ में नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, और यही चारों इबादात इंसान के जुमला मसाइल का, चाहे वो मसले माश हो और चाहे मसले माद हो, चाहे दुनिया का मसला हो, चाहे आखरत का मसला हो, चाहे दुनिया की ज़िंदगी हो, चाहे आखरत की ज़िंदगी हो, उन सब के लिए जो नुस्खा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए हैं, वो नुस्खे के ये चार अहम अरकान हैं। एक नमाज है, एक रोज़ा है, एक हज है और एक ज़कात है, जिनको अरकान अरबा कहा जाता है शरीयत की इस्तेलाह में। मैंने कल अर्ज़ किया था कि रमज़ान के साथ नमाज अपने मुकम्मल शक्ल में मौजूद है, रमज़ान नमाज का भी हामिल है, बल्कि जो रोज़ाना नमाज हो रही थी उस पर भी मज़ीद और एक्स्ट्रा एक नमाज तरावी के नाम से शामिल है, जो रमज़ान के इस महीने में इशा की नमाज के बाद पूरी पाबंदी के साथ पढ़ी जा रही है, और उसमें मुसलमान 40 सजदे रोज़ाना जायद कर रहा है, और कुरान मजीद का एक पारा या सवा पारा उसमें पढ़ा जा रहा है, और इस तरह पूरे महीने में कुरान मजीद की तकमील है। जैसे नमाज को रमज़ान जामे है, इसी तरह तिलावत कुरान मजीद और औराद और अज़कार को भी जाम है। जितनी तिलावत कुरान मजीद रमज़ान में हो जाती है शायद 11 महीने में नहीं हो, बल्कि अगर ये दावा कर दिया जाए कि एक रमज़ान में पूरे आलम का मुसलमान जितना कुरान मजीद पढ़ता है, अगर उसको तराजू के एक पर्दे पर रख दिया जाए और दुनिया की कोई भी किताब, बल्कि दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं, मजहबी ग्रंथ हैं, उन सब की अपनी पूरी लाइफ में जितनी तिलावत हुई है उसको एक पर्दे पर रख दो तो कुरान का पढ़ना छूट जाए। हम रात दिन कहते हैं मुसलमान बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, और उनकी दीनी हालत ख़राब हो गई है, वो कुरान से दूर हो गए हैं, सब कुछ कहने के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस गए गुजरे दौर में भी मुसलमान खुसूसन रमज़ान में जितनी तिलावत करता है उसकी मकदार थोड़ी नहीं, बल्कि मेरा तो दावा यह है कि एक दिन में, रमज़ान के एक दिन में पूरे आलम में जितनी तिलावत हो रही है, अगर उस तिलावत को एक पर्दे पर रख दिया जाए तो कोई भी मजहबी किताब अपनी पूरी लाइफ में इतनी नहीं पढ़ी गई जितना ये एक दिन में पढ़ा गया। ऐसे ऐसे अहलुल्लाह गुजरे हैं जो रमज़ान में दो दो ख़त्म करते हैं, एक दिन में और एक रात में ख़त्म करते हैं, और एक ख़त्म करने वाले का अभी भी मौजूद है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो एक कुरान मजीद रोज़ का ख़त्म कर रहे हैं, और 10 5 पारे 5 पारे 3 पारे 4 पारे ये तो हर घर में रोज़ाना पढ़े जा रहे हैं। तो तिलावत के एतबार से भी रमज़ान जामे है, इतनी तिलावत किसी महीने में भी नहीं होती। तो रोज़ों के इन अय्याम को, रमज़ान के इस महीने को इसका फ़ख्र हासिल है कि वो ये कह सकता है कि जितनी नमाजें मुझ में पढ़ी जा रही हैं कभी भी किसी महीने में नहीं पढ़ी जाती। मैं अपने साथ नमाजें भी लेकर आया हूँ, मेरे अंदर नमाज भी है, और
قرآن مجید کی تلاوت بھی مجمع ہے اور اسی طرح اوراد و اذکار ہیں جتنی تسبیحات چاہے وہ درود شریف کی ہوں چاہے وہ استغفار کی ہوں چاہے وہ کلمہ طیبہ کی ہوں یا اور بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو تسبیحات رمضان میں جتنی پڑھی جا رہی ہیں شاید دوسرے مہینے میں اتنی نہیں پڑھی جاتی بلکہ رمضان کے مہینے کے اوراد وظائف اور تسبیحات کو اگر ایک پڑھنے پر رکھ دیا جائے تو پورے سال میں جتنی تسبیحات اور اوراد وظائف ہوتے ہیں وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں تو رمضان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اوراد وظائف اور تسبیحات اور تحلیل کلمہ لا الہ الا اللہ جتنا مجھ میں پڑھا جاتا ہے کسی دوسرے مہینے میں نہیں پڑھا جاتا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جامع نماز بھی ہوں اور جامع اذکار اور اوراد اور وظائف بھی ہوں ایسے ہی رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ عبادت روزے کی ہے رمضان روزے کی ہی عبادت کے ساتھ متعارف ہے اسی کے ساتھ پہچانا جاتا ہے جب رمضان کا لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً روزے کی طرح ذہن جاتا ہے عربی میں رمضان کے معنی جلا دینے والے کیا ہے چونکہ رمضان گناہوں کو جلا دے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں گناہ جلائے جا رہے ہیں تو اس رمضان میں جو خاص عبادت ہو رہی ہے وہ بڑی اہم عبادت ہے اور وہ عبادت روزے کی عبادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات نہ نماز کے پاس ہے نہ حج کے پاس ہے نہ زکوٰۃ کے پاس ہے روزہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی ہے کہ وہ میرا ہی امتیاز ہے کسی کے پاس وہ شرف نہیں ہے جو شرف مجھے لسان نبوت سے ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی لی یہ فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں نہ نماز کو حاصل حالانکہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے کل نماز کے بارے میں گفتگو کی تھی تو وہ کن کن امتیازات کی حامل ہے لیکن یہ سرٹیفکیٹ اس کے پاس بھی نہیں روزے کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے آپ نے بھی نہیں اللہ نے روزے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا حضور جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حضور اپنی حدیث ارشاد نہیں فرما حدیث کی ایک قسم وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو اللہ کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں جب اس قسم کا حضور کا کوئی کوٹیشن ہو حضور کا کوئی ملفوظ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہیں اللہ کی طرف اگر حضور اس کو منسوخ کر دیں حضور خود نہیں فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ روزے کا بدلہ دیں گے یہ نہیں فرما رہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں میں تو نقل کر رہا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے جس میں یوں فرمائے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے آپ کی باتوں کو حدیث کے معنی ہی عربی زبان میں بات کی حدیث کے معنی بات احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات ہی تو ہیں تو انہیں احادیث کہتے ہیں لیکن اس کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم حدیث قدسی جب ادھر نسبت کر دیتے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی جب حضور یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے اور پھر کوئی بات کہیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے نے کوئی بات تلاوت کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی الفاظ لوگوں کو نقل کر دیں تو وہ قرآن مجید کہلاتا ہے وحی متلو کہلاتی ہے تلاوت کی ہوئی وحی میں یعنی قرآن مجید بھی حضور ہی سے ہم نے سنا اور حضور ہی نے ہمیں دیا اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے تو ہم اس کو
براہ راست لے بھی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ وہی ہر شخص پہ نازل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کو کہ وہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں اور اپنے پیغامات کے لیے وہ ایک شخصیت کو مقدس کر کے اور گناہ پروف کر کے اور معصوم بنا کر اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہاں اپنی رسالت بھیجتے ہیں. اسی کے سینے میں ایسا ٹرانسسٹر لگا ہوتا ہے کہ وہ وحی کو کیچ اپ کرتا ہے. ہر آدمی نہیں کر سکتا. ہم اور آپ اگر یہ چاہیں کہ وحی کو لے لیں تو نہیں لے سکتے. یہ پیغمبر ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ وحی کے میسج کو وصول کرتا ہے. کتنے ڈبے, یہ بھی ایک ڈبہ رکھا, وہ ڈبہ رکھا, یہ ڈبہ رکھا, یہ ایک ڈبہ, کتنا بڑا ڈبہ رکھا. لیکن کیا یہ ڈبہ آپ کو لندن کی خبریں سنا دے, امریکہ کی خبریں سنا دے؟ نہیں سنا سکتا. کرسی سنا دے؟ نہیں سنا سکتا. یہ مائک سنا دے گا؟ نہیں سنا سکتا. لیکن اگر آپ ریڈیو رکھ دیں وہ سنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسے ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں کہ ان میں یہ طاقت ہے کہ اتنے کلاس اسکول پر کوئی چیز اڑائی جا رہی ہے تو وہ اس کو کیچ کر لے. مثلاً اتنی مسافت پر انڈیا کا پروگرام ریلے ہو رہا ہے تو جب آپ اس کو اس نمبر پر لگا دیں گے تو وہ اپنی اتنی طاقت استعمال کرے گا تو اتنی بلندی کے اس پیغام کو کیچ کر کے آپ کو لاؤڈ کر کے سنا دے. اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کلو سائیکلس پر اڑنے والے پروگرام کو کیچ کرتا ہے. کیا ہر ڈبہ کر لے گا؟ جس ڈبے میں آپ پھل رکھتے وہ کر لے گا؟ فریج کر لے گا؟ ارے فریج تو ریڈیو سے زیادہ مہنگا, وہ بھی نہیں کر پاتا. مہنگی سے مہنگی مشین. ایک آدمی کتنا ہی موٹا, تازہ, خوبصورت, مالدار ہو لیکن وہی کو کیچ نہیں کر سکتا. ابو لہب تو کتنا سرخ سفید تھا کہ اس کی کنیت ہی ابو لہب تھی, یعنی شعلے کا باپ. اس کا چہرہ ایسے دمکتا تھا جیسے آگ دمک رہے, سرخ گلابی تھا. لیکن کیا وہ وحی کیچ اپ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. وہ تو نبی کے ہی سینے میں اللہ تعالیٰ ایسا دل رکھتے ہیں کہ وہ وحی کو جو نشر ہوتی ہے اس وحی کو براہ راست بھی لیتا ہے اور بذریعہ فرشتہ آئے اس کو بھی لیتا ہے. بلکہ بذریعہ فرشتہ جو وحی پیغمبر پر آتی ہے وہ اس کو ذرا آسان ہوتی ہے لینے میں, لیکن جو وحی براہ راست آتی ہے اس کو لینے میں بہت دقت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے شدید موسم میں پوری پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی, بدن پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا جب وحی آتی تھی. حضور کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آنے لگتا تھا جب وحی کی کیفیت تاریخ ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پوری پیشانی بھیگ جاتی تھی جب وحی آتی, اور کوئی جانور بھی حضور کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا جب وحی آتی تھی. ایک اونٹنی بڑی مضبوط ترین اونٹنی تھی خسوا, اس پر حضور سوار ہوتے اور کبھی وحی آ جاتی تو اس کی آنکھیں ابل پڑتی, گلے کی رگیں پھول جاتی, اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی, بوجھ برداشت نہیں کر پاتی تھی. اللہ کے کلام کا اتنا بوجھ. قرآن مجید نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزا ریزا چورا چورا ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے اڑ جاتے. وہ تو نبی کا ہی سینہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو محفوظ کر لیتا ہے, ورنہ دوسرا کوئی شخص نہیں کر سکتا. ایک صحابی حضور صاحب کے پاس ران سے ران ملائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم وحی کا نزول ہوا, اچھٹ کے اتنی دور چلے گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے. حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی تو وہ صرف ٹچ کیے ہوئے تھے, اس کا بوجھ اور ثقل اتنا تھا کہ برداشت نہیں کر سکے, دور بھاگ گئے. اس وحی کو حضور نے 23 سال تک کیچ اپ کیا. کیا طاقت ہوگی, کیا قوت ہوگی اللہ. جو اللہ جو کتنے بڑے ہیں, ان کا کلام بھی بادشاہوں کا کلام تو بادشاہ ہوتا ہے, اس میں بڑی شوکت ہوتی جب وہ کوئی خطاب کرتے ہیں تو دیکھو قرآن کے الفاظ جہاں خطاب کے ہوتے ہیں تو کیسے تم طراق اور پر شوکت الفاظ ہوتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں کی بات, یہاں انگلینڈ میں جو ملکہ الزبیتھ ہیں
मैं जब लंदन गया था तो मुझे लोगों ने बताया था कि उनका जो ड्राइंग रूम है, सिटिंग रूम है, जिसमें वो आने वाले मेहमानों से मुलाकात करती हैं, तो उस रूम से बाहर एक लेटरिन बनाई गई है ताकि आने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुल्क का सफीर हो, कोई भी हो, उसको पहले ये कहा जाता है कि तुम इसमें जाके पेशाब कराओ, जब जाके उनसे मिलना। इसलिए कि बहुत से लोग आए और जब वो चिक के अंदर पहुंचे तो वहाँ का कर फर और सजावट और डेकोरेशन और जो एक शहाना, तो उनके पेशाब निकल गए, पेशाब निकल गए। जब से उन्होंने ये एहतमाम किया है कि चाहे पेशाब लग रहा हो या ना लग रहा हो, थोड़ी देर चले जाओ, इसलिए कि कोई ठिकाना नहीं कि वहाँ पेशाब निकल। तो उस कमरे में पहले जाकर पेशाब करो, फिर जाओ अंदर जाओ। जब बादशाहों का ये हाल, हमारे यहाँ मकतब में कारी साहब थे, वो मकतब के जिम्मेदार थे, तो कभी कभी मैं मकतब जाता तो वो मुझे कहते कि तुम्हें मेरी शान का क्या पता है, मेरा तलवा को कितना रौब। और ये कह के मकतब में से कोई बच्चे और बच्ची को यूं बुलाते और जब वो सामने आ जाती, मैं उनके पास बैठा, वो सामने आ जाते यूं करके जो उन्होंने कैम किया कि पेशाब निकाल, तो मुझसे कहते कि देखा तुम्हारा क्या रौब, दारुल मालूम का क्या रौब, तुम्हारे बच्चे तो कहीं भी चले जाए, हमारे बच्चों को देखो एक आवाज लगा एक पेशाब छोड़ते। मैंने कहा भाई खान साहब इतना रौबदार भी ठीक नहीं है, पेशाब अभी तो आपने कह नहीं कहा था, कुछ और कहते तो कहा ऐसा पेशाब से भी बड़ा कोई हादसा पेश आ जाए, इतना रौबदार हम तो सही नहीं समझते, हम तो ऐसा समझते हैं कि वो हमारे पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े पैगंबर हैं, लेकिन उनका हाल ये है कि उनकी अजवाज मुतहरात औरत शौहर से कितना डरती है, लेकिन अजवाज मुतहरात का हाल ये था कि वो अपनी फरमाइशों को, अपनी बात को पूरी जुरत के साथ हुजूर के सामने रखती। वो वाकयात पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि यार ये अजवाज मुतहरात को क्या हो गया, हुजूर से ऐसे क्यों बात करती। लेकिन बात समझ में ये आती है कि हुजूर ये बतलाना चाह रहे थे कि शौहर बीवियों के साथ ऐसे रहें कि उनको अपनी, अपना कोई मुतालबा, अपनी कोई फरमाइश, अपनी कोई बात, दिल की कोई खटक पूरे तौर पर कहने का मौका उनको दो, इतना दबा कर, डरा कर, सहमा कर मत रखो कि तुम घर में आओ तो पेशाब छूट जाए। तो वो क्या कोई अपनी फरमाइश रख सकेंगी, हुजूर ने ये नमूना वरना अजवाज मुतहरात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कती थी, लेकिन ये जो वो उनसे बात कर लेती थी ये मौका दे रखा था। तो अल्लाह ताला तो बहुत बड़े हैं, उनके कलाम को बर्दाश्त करना, दुनिया भी बादशाहों का कलाम बर्दाश्त नहीं होता और उसको आदमी सुनता है तो कांप जाता है, तो अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मक्के मुकर्रमा में हिजरत से पहले जिसके पास खाने काबे की ताली रहती थी उससे कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए चाबी दे दो, मैं अल्लाह के घर में दो रकात पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी चाबी फौरन बाहर आकर वापस दे दूंगा, मुझे तो चाबी का कब्जा भी नहीं करना, कुछ नहीं लेना, बस मेरा एक दिल चाह रहा है कि मैं अल्लाह के घर के अंदर चला जाऊँ और अल्लाह का नाम वहाँ जाके लूँ, दो रकात नमाज पढ़ लूँ। कितने ही इसरार और उसके साथ कहा, लेकिन उसने ताली नहीं दी। देखिए किसको ताली नहीं, जिसके लिए पूरी सृष्टि रची गई है, पूरी दुनिया पैदा की गई, उसको ताली नहीं दी, और काय के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए नहीं। लेकिन वक्त की बात होती है, फिर एक वक्त आया 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और 10,000 लश्कर के साथ हुजूर मदीने तैयबा से मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए और वो मक्के में दाखिल हुए और उस वक्त सब थर थर आ रहे थे कि इन लोगों को हमने 13 साल तक बहुत सताया है, आज तो ये फातिहाना दाखिल हो गए, अब हमारा कच्ची उम्र निकल जाएगा, हमें पीस दिया जाएगा, हमें मार डाला जाएगा, अब हमारा क्या होगा, सारे बदले चुकाए जाएंगे। ये डर रहे थे और ये भी डर रहे थे कि हमारी सारी हवेलियां, बागात, दुकानें जिनको मुसलमानों को हमने सता सता कर हिजरत पर मजबूर किया और बेचारे रात की अंधेरी में पहने कपड़े पहने चले गए, अपना मकान छोड़ गए, अपने बंगले छोड़ गए, बहुत से मालदार भी थे, उन्होंने अपने बागात, अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी दुकान सब छोड़कर और हिजरत पर उन्हें मजबूर किया, बेचारे वहां गए चले। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विरासत में
एक दुकान मिली हुई थी, उसमें कपड़ा बिकता भी था और कपड़ा सिलाया भी जाता था, उसमें कपड़ा सिया भी जाता था, दर्जी कपड़ा सीता भी था और कपड़ा बिकता भी था। ये दुकान थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मकान था एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हुजूर को अपने वालिद के तरके में मिला हुआ था। कुछ भेड़ें थी, इस किस्म की कुछ चीज़ें थी जिसमें बाद में चलकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई जो तालिब और अकील थे, दो भाई थे जाफर और अबू तालिब, अबू तालिब के एक लड़के एक हजरत अली थे और एक जाफर थे, ये दोनों तो इस्लाम ले आए थे, लेकिन दो लड़के और थे अबू तालिब के, एक का नाम अकील था और एक का नाम तालिब था, जिसकी वजह से अबू तालिब की कुनियत अबू तालिब थी। अबू तालिब जो हैं, अबू तालिब का नाम अबू तालिब नहीं था, अबू तालिब का नाम तो अब्द मुनाफ था, अबू तालिब उनकी कुनियत थी। एक लड़के का नाम तालिब था, एक का नाम अकील था। इन दोनों ने हुजूर की पूरी जायदाद तक कब्जा कर ली। लोगों ने हुजूर से पूछा भी कि मक्के आप जा रहे हैं, फतह मक्का हो रहा है, आप ठहरेंगे कहाँ? तो हुजूर का भाई मकान पे तो अकील ने बेच बाज दिया, कब्जा कर लिया, हमारा तो वहाँ कुछ है नहीं, हमारा मकान वहाँ कहाँ है कि हम वहाँ ठहरें। तो वो दुकान पे भी कब्जा कर लिया था, भेड़ों पे भी कब्जा कर लिया था और मकान पे भी कब्जा कर लिया था अकील ने और तालिब, और ये दो भाई थे इनकी भी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। तो वो तो लोग ये डर रहे थे कि अब ये फातिहाना दाखिल हुए अपनी दुकान, अपने मकान, अपने बागात, अपने खेत, ये सब छीन लेंगे, इसलिए कि हमने कौन सा इनसे खरीदा था, हमने तो जबरदस्ती इनको निकाला था और उनके मकानों पर कब्जा कर लिया। तो अब ये फातिहाना दाखिल हुए, मक्का फतह हो चुका और इस्लाम का झंडा लहरा गया, अब तो हमारी खैर नहीं, ये वो सोच रहे थे डरे हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो वो जिसके पास ताली थी उसने सोचा कि एक वक्त आया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ताली मांगी थी नमाज पढ़ने के लिए, मैंने नहीं दी थी, अब इन लोगों ने मक्का फतह कर लिया, 10,000 का इनका लश्कर मक्के में फातिहाना दाखिल हो गया है, तो अब तो ताली ना देने के कोई माने ही नहीं, अब तो इन्हीं का कब्जा हो। तो वो ताली लेके काबे के ऊपर चढ़ते थे, कोई ताली, इसलिए वो उसे बड़ा शर्म समझते थे अल्लाह के घर की तौलियत में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने उस जंप लगा के हाथ पकड़ा उसका और हाथ में से ताली छीन ली और छीन के खाने का वक्त कर दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अंदर दाखिल हुए, हजरत अली भी अंदर थे, तो वहाँ तस्वीरें बनी हुई थी, जिन बुतों को वो पूजते थे उनकी तस्वीरें बना रहे, हजरत इब्राहिम की, हजरत इस्माइल की, वो जो दुम्बा जबा हुआ था उसके भी सींग लटका रखे थे, वो सारी तस्वीरें बनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अली पानी लाओ, तो पानी तो दूसरे सहाबी गालिबन हजरत बिलाल ने वो ले आए थे। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया तुम मेरे कंधे पर खड़े हो और खड़े होकर ये तस्वीरें मिटा दो। www.attableek.com The Reviver of Iman और उसी बात वही आए तो कचूमर हो जाए। मैं तुम्हारे कंधे पर खड़ा हुआ और कहीं वही आ गया, वही मैं तो बड़ा से तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सको, वही का कोई टाइम तो बताइए नहीं, वही कब आए, क्या आए, कितनी आए और कब आए पता नहीं, कितने फसल से आए ये भी मालूम, कितनी आए ये भी मालूम, एक आयत आके ही रुक जाए और बहुत सी आयतें आ जाए, तो उसका तो कोई वक्त नहीं है। कहो मैं जिस वक्त कंधे पे खड़ा हूं उसी वक्त वही आयत बर्दाश्त कहां कर सको, तो वही का तो बहुत बड़ा सा। और अजीब बात है, हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए तो उस आदमी को बुलाया, उस्मान नाम था, और ले ताली दे उसके, लोग आप हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि किसी की मुतवल्लियत को जब्त करना है, ये ताली आप लो और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ इस बात की कि कयामत तक ये ताली तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदान में है, तो हम ताली लेने नहीं। तो वो भी हक्का पक्का रह गया कि आज फातिहाना दाखिल हो गए और इस शख्स ने कितनी आजजाना ताली मांगी थी, मैंने नहीं दी, और आज ताली इनके हाथ में आ गई कि इन्होंने ये अंदर चले गए और आ गए और मुझे ताली वापस दे।
तो उसने कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ताली वापस क्यों दें? अब तो ये ताली के मालिक आप, ताली वापस देने के क्या मान? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से ये तुम्हें ताली वापस दे। कहा अल्लाह ने फरमाया कि ताली मुझे वापस दे दो? कहा हाँ अल्लाह ने फरमाया कि। और वो आयत नाज़िल हुई थी अंतुअद्दुल अमाना फिला, जिसकी अमानत है उसी को थी। वो इस्लाम ले आए थे, और अजीब बात है कि इस्लाम तो ले आए थे, एक जंग में शरीक हुए तो वो कहते थे कि मैं इस्लाम ले तो आया था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को देखकर कैफियत तारी हुई थी, मैं इस्लाम ले आया था लेकिन दिल पूरी तरह मेरा मुतमईन नहीं, लेकिन चूंकि मैं इस्लाम ले आया था और 24 घंटे हुजूर के साथ रहता था तो लोग मुझ पर कोई शक शुबह ही नहीं कर सकते। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने से मुझ पर तो कोई शक शुबह करता नहीं, अच्छा सा ऐसा मौका पालू मैं कि सब जरा इधर उधर हों तो मैं हुजूर पे तलवार चला के हुजूर को खत्म कर। चुनाचे वो एक जंग में शरीक थे और घोड़ा लेकर बराबर हुजूर के चल रहे, और किसी को कोई शक शुबा भी नहीं था, इसलिए लोग जान रहे थे कि ये तो इस्लाम ले आए हैं और साथ है हुजूर के, ये क्या करेंगे, इनसे क्या खतरा है। वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ साथ चल रहा था, एक मौका ऐसा आ गया कि सहाबा इधर उधर थे और मैं अकेला हुजूर के साथ था, और मुझे ऐसा लगा कि बस इससे अच्छा चांस कभी नहीं आया। मैंने अपने तलवार के बट पर हाथ रखा और इरादा किया कि ये एक अच्छा मौका है और इनको मैं निपटा दूं। जैसे ही उन्होंने ये इरादा किया, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं करके उनकी तरफ देखा, वो ये कहते हैं कि बस ऐसा देखा कि अभी जो इस्लाम मेरा ऊपर ऊपर था, मैं ऐसा दिल में उतर गया कि उस दिन में इतना पक्का मोमिन हो गया था कि हुजूर से बढ़कर पूरी दुनिया में मेरे नजदीक कोई महबूब शख्सियत थी। क्या निगाह थी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकबीर। वो आंख ऐसी होती है जिसने कभी कोई खता नहीं की, वक्त की बात होती है, न मालूम उस वक्त क्या बात हो, वक्त की बात होती है। एक साहबी नमाज हो रही थी कहीं मैदान में, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, एक साहबी जल्दी जल्दी आए और आकर नमाज में शामिल हो गए। नमाज में शामिल होकर उन्होंने देखा एक कुत्ता हुजूर के सामने से निकला, तो उन्होंने दिल में कहा कि कमखत ये कुत्ता हमारे हुजूर के सामने निकलता मार था। अब वो घड़ी ऐसी मकबूलियत की फौरन कुत्ता बुलाट खा रहा। हुजूर ने बाद में फरमाया कि भाई ये किसने बद्दुआ की थी? तो उन्होंने फरमाया कि हजरत मुझे अच्छा नहीं लगा आपके सामने। उनका ऐसी मकबूलियत का टाइम था कि अगर सारी दुनिया को कह देते कि मर जा तो मर जाए, ऐसा टाइम था। इसलिए टाइम भी देखना चाहिए, घड़ी का कोई पता नहीं। बाद मरतबा हम कोई चीज सोचते पूरी हो जाती, फिर उस वक्त ऐसा लगता है कि ये छोटी सी चीज का है तो मान ली कोई बड़ी बात, इसमें का है तो इससे तो मफरत मांग। जैसे रमजान का महीना चल रहा है, हर बार दुनिया मांगने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो अपने ऊपर कयास करता हूँ, आप लोग तो बहुत नेक लोग हैं, कि 95% हमारी दुआएं दुनिया के इर्द गिर्द घूमती, चाहे रमजान हो या शब कदर। ठीक है, मांगो, मना नहीं किया, हदीस में है कि जूते का तस्मा हो जाए वो भी अल्लाह से मांगो और जन्नत और फिरदौस भी अल्लाह से मांगो। हुजूर ने एक सबसे नीचे की दर्जे की चीज और एक सबसे ऊपर के दर्जे की चीज जिक्र करके ये बताया कि अपनी हर जरूरत को अल्लाह से, चाहे छोटी तस्मे को जिक्र किया और फिर जन्नत और फिरदौस को जिक्र किया, इन दोनों के दरमियान में अब सारी चीजें आ गई। तो मांगे ये तो हम उन्हीं से, दुनियावी चीजें भी उन्हीं से मांगे, लेकिन सवाल ये है कि हम इतना ख्याल करें कि ये चीजें सब छोटे दर्जे की, बड़े दर्जे की चीज तो अल्लाह की मोहब्बत है वो मांग, हुजूर का इश्क है वो मांग, कुरान से मोहब्बत है वो मांग, मस्जिद से मोहब्बत मांग, नमाज से मोहब्बत मांग, रोजे से मोहब्बत मांग, आखरत की कामयाबी मफरत मांग, अल्लाह का कुर्ब मांग, जन्नतुल फिरदौस मांग, ये मांगने की चीज है। दुनिया तो वो जब उन्होंने पैदा किया तो वो तो देंगे, उन्होंने तो खुद कहा कोई भी जमीन पे चलने और रेंगने वाला छोटा बड़ा कीड़ा मकोड़ा जानवर परिंदा चरिंदा नहीं है कि हमने उसके रिस्क की जिम्मेदारी ली। हमें रोजी मकुर बरहम मदन और आखिर दफ्तर रहा कि पेशस्तिफल एजतपुर को न पिस्ता में मादर।
तुम रोजी का गम क्यों खाते हो और रोते क्यों फिरते हो, और रोजी रसानी की जो तरतीब अल्लाह के यहाँ उसे नहीं देखते। बच्चे के पैदा होने से पहले औरत के दोनों थर्मस मर जाते, ऐसे दूध के साथ के उस दूध का बदल दुनिया में कोई नहीं। ये मंजर देखकर तुम ये नहीं सोचते कि रोजी तो वो पहुंचाएंगे। दो चीज आदमी रा कशस जोर जोर, यके आबदाना यके खाके बोर। दो चीजें आदमी को खींचती रहती हैं, एक उसका आबदाना और रिस्क, और एक कबर की बेटी। जहां मरना लिखा है वहीं पहुंच जाए, कैसे ही पहुंच जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यरूशलम में बैठे, यरूशलम में बैठे हुए हैं हजरत सुलेमान। हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो को इज़राइल अलैहि सलातो वसलाम आए, वहां सलाम किया बैठ, वहां एक आदमी बैठा हुआ। जिब्राइल को फोन लगा, वो इज़राइल को फोन लगा, गवर्नमेंट ऑफ इस्काइल इज़राइल का, जी हजरत कई आदमी जो यहां यरूशलम में सुलेमान के पास बैठा हुआ है, अगले मिनट चाइना के मकान नंबर खोला और बेड नंबर खोला पर इसकी रूह कब्ज कर। जिब्राइल इज़राइल भी चक्कर में रह गए, कहां यरूशलम कहां चाइना, चाइना की स्ट्रीट नंबर खोला, मकान नंबर खोला, बेड नंबर खोला पर इसकी मैं रूह कब्ज कर लू। ये अल्लाह का बंदा चाइना अगले मिनट पहुंचेगा क्या? मगर ऑर्डर था, वो तो फौरन पहुंचे। जिब्राइल को तो बहुत बड़ी ताकत हासिल है, जिब्राइल का क्या 600 तो उनके बाजू, वो जब अपनी असल शक्ल में हो तो जमीन आसमान का खला भर जाता। इधर हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को लेकर कुएं में डाला, और एक कॉल के मुताबिक उम्र 13 साल की, बाजी को अखबार में उम्र छोटी भी है, कोई 6 की कह रहा है, 7 की कह रहा है, लेकिन एक उम्र पे कितनी भी मानो कुएं में नीचे पहुंचने तक कितना टाइम लगे। और हजरत जिब्राइल जो है वो अपने हेडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं, सिदरतुल मुंतहा, कहां बैठे हुए हैं, सातवें आसमान पर बैठे हुए हैं। आसमानों के दरमियान कितना खला, मिर्रीख पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि मिर्रीख जो अब पहले आसमान से भी नीचे, और ये सूरज ही 9 करोड़ मील दूर है, तो पहला आसमान फिर दूसरा फिर तीसरा। वो वहां अपने हेडक्वार्टर सिदरतुल मुंतहा पर बैठे हुए, वहां उनको ऑर्डर मिला कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में छोड़ दिया है, यूसुफ को कुएं की तली में पहुंचने से पहले पहले अपने पर उठा। देखिए कितनी रफ्तार होगी, लोग कहते हैं कि आजकल रॉकेट की रफ्तार फलां, अरे कहां की रफ्तार, जिब्राइल की रफ्तार के आगे सब हेज, कोई हैसियत नहीं है दुनिया के सैयारों की, चाहे वो चांद पे जाने वाला सैयारा हो या मरीख पे जाने वाला हो, या कयामत तक तरक्की करके कितने ही तेज रफ्तार करोड़ मील एक सेकंड में सफर करने वाले भी बना जिब्राइल का मुकाबला। जिब्राइल को वहां से ऑर्डर हुआ कि मेरा यूसुफ नीचे न गिरने पाए। जिब्राइल ने कितनी तेज परवाज की होगी कि इधर यूसुफ के रे, उन्होंने लेकर उन्हें हाथ पर ले लिया और वहां एक चट्टान निकली हुई थी उस पर बैठा। कितना सपाटा होगा, कितनी तेज आए फिजा में, क्या गड़गड़ाहट हुई होगी जब जम्बू जेट उड़ता है तो देखा होगा कितनी। तो जिब्राइल वहां से जो चले होंगे, क्या तमबुज होगा फिजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो इज़राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस से यरूशलम से अगले सेकंड चाइना के मकान नंबर खुला बेड नंबर खुला पे पहुंचा। देखा तो वही आदमी जिसे मजलिस में छोड़कर आया था वो बेड पर लेटा हुआ और सांस चल रही है तनफुस। उन्होंने उसकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन उनको इतना ताज्जुब हुआ कि मैं तो खैर फरिश्ता हूं, मुझे तो जिस्मुन नूरानियुन मुतशक्किलुन बिअशकालिल मुख्तलिफा ला युज़क्कर वला युअन्नस। ये डेफिनेशन है मलाइका की, फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है, जिस्मुन नूरानियुन मुतशक्किलुन बिअशकालिल मुख्तलिफा ला युज़क्कर वला युअन्नस। वो मेल और फीमेल नहीं होते, कौन, मलाइका। और मलाइका एक नूरानी जिस्म है जो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकते। तो उन्होंने कहा मैं तो पहुंच गया, लेकिन ये आदमी यरूशलम से वहां पहुंचा क्या। तो वो लौटकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और ये कहा कि हजरत
वो जो आदमी आपके पास बैठा हुआ था और मैं आपके पास बैठा हुआ था, मुझे वहां से ऑर्डर मिला, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैं तो उठ के चला आया आपको सलाम करके, लेकिन मुझे ऑर्डर मिला था कि चाइना के मकान नंबर होला, बेड नंबर होला पर उस शख्स की रूह कब्ज करना है, तो मैं वहां पहुंचा तो वो आदमी वहां मौजूद था। तो ये पहुंच कैसे गया? तो उन्होंने फरमाया कि तुम यहां से उठे कि उसने मुझे ये कहा कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट काम चाइना है, आप किसी भी जरिए से मुझे अगले मिनट चाइना पहुंचाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हवा को मुसाखर कर दिया, वो हवा 6-6 महीने की मसाफत, थोड़ी सी देर में हवा, यानी लाखों आदमी, कोई बड़े से बड़ा जंगो जेट भी इतना माल और सवारी लेके नहीं उड़ सकता जितना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, उनकी लाखों की मिलिट्री को और खुद उनको जिनकी कुर्सियां उस पर लगती थी उनको लेकर ऐसा उड़ता था और एक जगह से दूसरी जगह मिनटों सेकंडों में वो परवास करता। उन्होंने कहा मुझे, उसने कहा इतना तो मुझे आप किसी भी जरिए चाह, मैंने फौरन हवा से कहा कि इसको चाइना पहुंचा, हवा ने उसे वो बैठ पर पहुंचा। और अजीब बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इनाम कि हवा को अल्लाह ने मुसखर कर दिया था कि वो और उनकी फौज और उनके हमले को जहां भी जाना हो 6-6 महीने में जितनी मसाफत तय होती है वो 6-6 घंटे में तय हो जाती थी, इतना बड़ा वो तेज रफ्तार हवा उस तख्त को लेकर चलती थी। ये इनाम मिला क्यों है मालूम है? इनाम मिला खाए पे, इनाम उस बात पे मिला है जो रोजाना हम करते हैं। असर की नमाज उन्हें पढ़नी थी, एक जगह गए हुए थे, चूंकि उनकी ममलकत थी तो जिस जगह गए हुए थे उनको वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, मिलिट्री का नुमाएं, वो घोड़ों पर घोड़े सवार बैठे हुए एकदम लाइन से खड़े हुए थे और जो अलग किस्म के घोड़े थे उनकी लाइनें खड़ी हुई थी और उनको आज की इस्तेलाह में सल्यूट दिया जा रहा है। जब कोई बड़ा किसी मुल्क का दूसरे मुल्क में जाता है तो 31 तोपों की सलामी दी जाती है और उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो मिलिट्री का मुआयना करता है या नहीं करता। तो वो ऐसे ही वहां गए हुए थे तो बेहतरीन किस्म के आला घोड़े लाइन से खड़े किए गए थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका मुआयना कर रहे थे, उन्हें दिखलाया जा रहा था कि आपकी फौज में कैसे आला किस्म के घोड़े। तो वो घोड़ों के पास से गुजर रहे थे, कभी कभी उनकी ये पुट पर हाथ भी फेर देते, चूंकि घोड़े की पुट कैसी चिकनी और भरी पुरगोश्त होती है, तो हाथ भी फेर रहे थे, खुश हो रहे थे। वो मुआयना करते 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 टाइम ज्यादा हो गया, जोहर के बाद से वो शुरू हुआ था और असर की नमाज उन्हें पढ़नी थी। अब वो जब भी ये बात आती कि भाई असर का वक्त हो गया तो कहा हजरत बस एक दो लाइन और रह गई, जब ये नमाज हो रहा हजरत बस दो लाइन, एक लाइन और रह गई, वो इसी इसमें कि ये लाइन रह गई है, वो लाइन रह गई है, उसमें सूरज गुल हो गया, असर का वक्त निकल। बस वो असर का वक्त जब निकल गया इतना सदमा उनको हुआ, इतना सदमा हुआ और अपने ऊपर इतना गुस्सा आया कि मैंने दुनिया को देखने में, मिलिट्री को देखने में, ये घोड़ों को देखने में और घोड़ों से दिलचस्पी और घोड़ों की खूबसूरती और अपने मिलिट्री के घोड़ों पर आकर ने मेरी अल्लाह के सामने नमाज छोड़ा दी जिसका वक्त निकल गया। इस पर इतना सदमा था तो फौरन ये कहा कि जल्लादों को बुलाओ और ये कहा कि ये घोड़े जरिया बने हैं मुझे मेरी नमाज के छूटने का, कुछ नहीं सबको कत्ल कर, सारे घोड़े काट काट डाले, पूरे के पूरे घोड़े कटवा दिए, गोश्त तकसीम करा दिए। बस ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि हमारी नमाज की वजह से इतना बड़ा घुबड़ा के मामूली पैसों में आता है। उस पर अल्लाह ने ये कहा कि नहीं, सुलेमान ने अगर हमारे फरीजे और इबादत के लेट हो जाने पर अपनी मिलिट्री का इतना बड़ा जरिया कटवा दिया उस सदमे पर, तो अब घोड़े कोई चीज नहीं है। हवा से कहा कि सुलेमान को अब जहां कहीं भी जाना हो उनसे कहो कि तख्त पर पूरा अपनी मिलिट्री और अमला बिठा लो और ऐ हवा तुम इनको फौरन मुंतकिल कर, हवा को मुसखर कर दिया इस इनाम में। एक बात होती है कोई बात
पसंद आ गई कि तुमने हमारे लिए जब ये किया तो हम तुम्हारे लिए ही। सहारनपुर में एक रईस ने बेहतरीन जोड़ा कीमती सिलवाया और पलकी में बैठ के तफरी को निकले। रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया, सोचा कि वहां तक पहुंचेंगे मस्जिद तक, तब तक वह खत्म हो जाएगा। अब वहां जो जगह थी उसमें घास वास थी, थोड़ी पानी की नमी कीचड़ थी और नया ही सूट सिलवाया था। कोई परवाह नहीं की, बदन को खड़ा किया, खुद अजान दी और अजान देकर उसी कीचड़ भरे घास पर खड़े होकर मस्त होकर दो रकात नमाज, जिसकी वजह से वो नया लिबास जो बड़ा कीमती सिलवाया था घुटने पर और इधर उधर कीचड़ में बिगड़ गया। कोई परवाह नहीं की, नमाज पढ़ी, बग्घी से घर आए और घर आए रात में हार्ट फेल हो गया, इंतकाल। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उस अदा पर बख्श, कोई जोड़े मोड़े की परवाह नहीं की, हमारी नमाज के शौक में मस्त होकर उस घास पर नमाज। वैसे भी हदीस में आता है कि कोई शख्स, कोई बकरी चराने वाला जब पहाड़ के दामन में वक्त हो जाता है तो अजान देता है और फिर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों पर फख्र करते हैं, कहते हैं इस ये यहाँ क्यों नमाज पढ़ा, यहाँ ऐसा कौन देखता है, कौन सी रियाकारी हो रही है, किसका खौफ है कि जंगल में बियाबान में अपनी बकरियों को एक तरफ छोड़कर और चश्मे पर वजू किया और अजान दिया और नमाज पढ़ रहा है, हम अपने इस बंदे को बख्श दें। तो एक अजीब गरीब उनका मामला है, आप उनके लिए कोई कुर्बानी देकर थे, आप क्या समझ रहे हैं ये घर से नमाजों का आना बेकार चला जाए, बेकार नहीं चला, ये रात की बेदारी बेकार चली जाए, ये दिन भर का रोजा रखना बेकार चला जाए। अल्लाह गैर मुनसिफ नहीं है, वो मुनसिफ जो लोग अपने औकात को फारिग करके नमाजों को कैचअप करने के लिए दौड़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, रातों को बेदार रह रहे हैं, ये मेहनतें जाया नहीं हो सकती, वो नाकदरी नहीं करती। आप किसी को एक दिन चाय पिला दे तो उसको फिक्र रहती है कि इसने मुझे चाय पिलाई है तो मैं भी पिला। आज आप अपनी दावत में किसी को बुला लें तो उसको फिक्र रहती है कि मैं जब किसी की दावत करूंगा तो उसने मेरी दावत की थी, मैं भी उसे बुलाऊंगा। क्यों आप बदला देना चाहते, आप तो बदला देना चाहते हैं और अल्लाह बदला देना नहीं चाहेंगे। आप अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी देकर तो देखिए वो आपको क्या बदला देते, अरे वो ऐसा बदला देंगे कि दुनिया कोई बदला ही नहीं दे सकती, ऐसा बदला। उनके बदले को हमारे बदले क्या पाएंगे, वो ऐसा बदला दे। जब बेटा रोजा रख लेता है, रोजा रख लेता है तो बाप के दोस्त ने 5 रुपए दे दिए, चचा ने 10 रुपए दे दिए, चची ने 5 रुपए दे दिए, खाला ने 10 रुपए दे दिए, फला ने इतना दे दिया, ताल्लुक वालों ने दे दिया, उस्ताद ने दे दिया, अब सब ने बदला दे दिया। अब रात में बूढ़ी बूढ़े से कहती है कि आज बेटे ने रोजा रखा, फुलाने 10 दिए, फुलाने 15 दिए, मैंने टोटल गिना तो तकरीबन 450 रुपए हो गए और तुम अजीब बाप हो, तुमने तो कुछ भी नहीं, तुम भी तो कुछ दो। तो वो कहता है कि मैं क्या दूं, ये सब ने जो कुछ दिया मेरी ताल्लुक की वजह से दी, अरे चचा ने दिया इसलिए दिया कि मेरा भाई था, चची ने दिया इसलिए दिया कि मेरी भावज थी, खाला ने दिया इसलिए दिया कि मेरी साली थी, तो सारे करस्पॉन्डिंग मेरे साथ थे, तो दिया दुनिया के बच्चों ने रोजा रखा, ये मेरे रिश्तेदारों ने उसे पैसा दिया तो ये 450 भी मेरे ही। कहा बातें मत बनाया करो, तो मैं बातें बनानी बहुत आती, उसने दिया इसने दिया मेरे लिए दिया फला दिया, सीधे सीधे कहो कि तुम क्या दे रहे, ताकि मैं सुबह उसे कह दूं। वो कह रहा था कि पापा ने तो कुछ दिया ही नहीं। तो वो कहता है कि अच्छा सबने कितना दिया, तो 450। अच्छा एक काम करो पूरे 1000 का दिया, सब फीके पड़ गए, चचा भी गया, चची भी गए, खाला भी गए, सब गए, ऐसा दिया कि सब ठीक हो, इसलिए कि 1000 तो 450 के दुगने से भी ज्यादा है। उसने वो सारी कमी पूरी कर दी, हमें दुनिया में सब देते रहे, दुकान भी दे रही है, खेत भी दे रहा है, बाग भी दे रहा है, फैक्ट्री भी दे रही है, कुछ कोई मर गया तो उसकी विरासत भी दे रही है, माँ बाप भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमें पट्टा कर रही है जमीन का, सब दुनिया देती रहे, लेते रहो लेते रहो लेते रहो और इसको गिन लो कितना हो गया है, गिन लो, और जब आखिरत में पहुंचोगे तो उनकी मुट्ठी में जो है
वो जब देंगे तो सब देने वाले फीके पड़ते हैं। न गवर्नमेंट का दिया उस पर वजनी हो सकता, और न दुकान ने दिया और कारखाने ने दिया। आप कहते हैं कि नहीं मेरी दुकान ने इतना दिया कि मकान बन गया, फला बन गया, ये बन गया, बंगला बन। अरे काय के बंगले हैं? वो बंगला जब देखोगे तो ये बंगली ही नजर आए। तुम इन्हीं बंगलों पर रीछ रहे हो कि साहब समंदर किनारे हमारा बंगला है, ये हमारा सोफा है, ये हमारा फ्रिज है, ये हमारा कारपेट है, ये हमारा फला है, ये हमारे यहाँ मशीन है। ये हैं क्या? उन्होंने नेक बंदों के लिए अपनी मुट्ठी में जो छुपा रखा है, ला तालम नफ्सुन मा उख्फिया लहु, कुरान कह रहा है लोगों को पता नहीं है कि हमने जन्नत में उनके लिए क्या छुपा रखा। हम अभी बताते नहीं, हमने ऐसा छुपा रखा है कि जब उसे खोलेंगे तो ये सब फीके पड़ जाए, सब फीके पड़ जाए। हमने इन्हें छुट्टी दी है, आला से आला मकान बना लो, आला से आला फर्नीचर बना लो, आला से आला लिबास बना लो, आला से आला खाने बना लो, आला से आला मशीनरी बना लो, और बनाते रहो। कब तक बनाते रहो? ये टाइम कितना है? कयामत का। कयामत का सूर फूके जब तक दुनिया खूब तरक्की करे, मकानों में भी और फलों में भी और कपड़ों में भी और डेकोरेशन में भी और फर्नीचर खूब तरक्की कर ले, और थक कर कह दे कि अब इससे अच्छा हम नहीं बना सकते, फिर वो कहेंगे कि नहीं अब हमारा देखो। फिर वो जब खोलेंगे मुट्ठी, जन्नती को जब जन्नत मिलेगी तो उन मकानों को देखते हो कहेगा ये तो खटारे थे, ये तो हम खामखा ने मकान कहते रहे, ये तो मकानिये थी। मकान तो ये वो वन पीस होगा, एक मोती का मकान, और 8 बजे उसका एक कलर है तो 9 बजे दूसरा कलर, और अगर वो पीले कलर का है तो दरवाजे पीले कलर के, खिड़की पीले कलर की, फर्नीचर पीले कलर का, हत्ता के हदीस में आज चम्मच तक पीले कलर, कटोरे पीले और गिलास पीले, जग पीले, पूरे घर का सामान पीला, और जब वो सुर्ख होगा तो हर सामान सुर्ख, और नीला होगा तो हर सामान नीला। एक मोती का कहीं मकान देखा है? वन पीस उसमें दूसरा पत्थर जोड़ाना हो, यहाँ तो 50 ईंटें हैं और पत्थर जोड़ जोड़ के मकान बन, पैवंद पर पैवंद लगे, वहां तो एक मोती का मकान होगा। उस मकान को देख कर जन्नती कहेगा कि सारी दुनिया के आला से आला मकान अगर बंगले एक पर्दे पर रख दो, और जन्नत का एक ये मकान जो छोटे से जन्नती को मिला है, छोटे से जन्नती को, अंबिया को जो मिलेंगे उनका तो सवाल ही नहीं है वो कि वो कैसे होंगे। वो ऐसे होंगे कि ये कहा गया है हदीस में कि वहां ऐसी चीजें होंगी, ला एनुन रात वाला वजनु समेत वाला यदन मतशत वाला खतर आला कल्बे वश। हम ऐसी चीजें अपनी मुट्ठी में छुपाए हुए हैं जन्नतियों के लिए कि जब हम उसे खोलेंगे और वहां की नेमतें देंगे तो वह ऐसी होंगी कि ना दुनिया में किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी, और ना हाथ में छूंगी। यहाँ तुम दुनिया में गाने की कितनी आला तस्में निकाल लो, बाजे आला से आला निकाल लो, ऐसे कि चलता आदमी नाचने लगे और बहता पानी थम जाए, ऐसे गाने गा लो खूब आला से आला। गाने वाले जो फिल्मी दुनिया में गा रहे हैं कि जो किसी मुल्क में पहुंच जाते हैं तो लोग ऐसे उमंड पड़ते हैं गिजाइयों की तरह, कितने ही बड़े गाने वाले हों उनके सुर में वो मजा नहीं है जो हदीस में आया कि जन्नत के दरख्तों के जो पत्ते आपस में यूं लगेंगे तो इतना बेहतरीन सुर निकलेगा कि दुनिया में कोई सुर आए इंसान ने सुना ही नहीं होगा। वो दो पत्तों का, वहां कोई बजाने वाला भी नहीं है, तार बैठने वाला भी नहीं है, बरसों उस्ताद के पास मेहनत करने वाला भी नहीं, वो दो पत्ते आपस में टकराएंगे तो कानों को वो लज्जत महसूस होगी कि दुनिया में कभी किसी गाने से लज्जत ही महसूस नहीं होगी। ये चंबा अब वो मैं कहने क्या जा रहा था, बात इधर से उधर चली जाती है। खैर अब जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपके हुक्म तामील में फैला दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे, हमारी जन्नत के यकीन को मजबूत करे, और उन नेमतों के पाने के लिए हम दौड़े ना कि इन नेमतों के में कंपटीशन करें। दुनिया का काय का कंपटीशन है कि इनके घर करे जा गया हमारे घर नहीं आया, इनके घर बंगला बन गया हमारे, अरे इसका काय का कंपटीशन है? कुरान मजीद ने कहा तुम्हें कंपटीशन करना है तो जन्नत की नेमतों के लिए कंपटीशन करो, और कुरान ने जन्नत की नेमत जिक्र करते करते कहा फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, ये है वो नेमत है जिनके लिए तनाफुस यानी कॉम्पिटिशन करने वाले कॉम्पिटिशन करें।
इसमें आगे बढ़े कि मुझे ये मिल जाए, और वो मिलेगा अमाल को, जिसकी नमाजें ज्यादा, जिसकी तिलावत ज्यादा, जिसका जिक्र ज्यादा, जिसकी मस्जिद की हाजिरी ज्यादा, जिसका रोजा मजबूत, जिसका ताल्लुक माल्ला मजबूत। ये है कॉम्पिटिशन की बात। आप ये सोचें, ये पहले मस्जिद में पढ़ता मैं पहले, ये पांच पारी पढ़ता मैं छह पारी पढ़ूंगा, इसमें कॉम्पिटिशन करो। बंगलों में कॉम्पिटिशन, कपड़ों में कॉम्पिटिशन, ये कॉम्पिटिशन की चीज नहीं है। कुरान का वलियता ना फसल नाफिस हूँ, जन्नत की नियमतें ऊपर से कुरान गिनाता चला रहा, गिनाता चला रहा, और फिर कहता है वलिजाली का वलियता ना फसल नाफिस हूँ। ये है चीजें जिसमें कॉम्पिटिशन किसी को करना है तो करे, दुनिया की चीजों में कॉम्पिटिशन करने में क्या, ये तो उनके सामने है। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين www.attableek.com the reviver of iman